मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर नगर निगम से जुड़ा हुआ है, जहां शहर में अवैध होर्डिंग्स का मुद्दा चर्चा में है। इसे लेकर निगम की सत्ता में काबिज बीजेपी अब निगम की सभाओं में हंगामा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि शहर में अवैध होर्डिंग्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिन क्षेत्रों में वर्षों से टेंडर नहीं हुए हैं, उन क्षेत्रों में भी होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। इसके लिए निगम ने प्रशासनिक अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि अवैध होर्डिंग्स का कारोबार हर साल करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का है। मामला नगर निगम परिषद में भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। शहर में जिनकी परमिशन भी नहीं है और पुराने टाइम से पुराने ढर्रे की होर्डिंग चली आ रही है और वो लगातार विज्ञापन के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। उसके बाद जो देखने में जो आया है, वो वाला पैसा तो आ रहा है उनके पास बराबर पूरी गति से आ रहा है वो, लेकिन पैसा नगर निगम निधि में नहीं आ रहा। वो पैसा हो क्या रहा है, आधा होर्डिंग वाले के पास जा रहा है, आधा जो भी निगम के जो भी अधिकारी इसमें है वो उनके पास पैसा पहुँच रहा है। इस अवैध होर्डिंग शब्द ठीक शायद न भी हो, कुछ स्थानों पर अवश्य इस तरह की परिलक्षित हुई है। मैं आज उसकी कुछ व्यवस्था जमा रहा हूँ, अभी मैं गोपनीय रखता हूं और आपको शीघ्र बताऊंगा।